लीजिए ना, सुबह से हम लोग आप सुबह सूचना नहीं मिली थी, मिली होती हम लोग भी सुबह। आप लोग अच्छे से और हो जाइए ताकि सब लोग हो गया सर। सर सवाल खान सर, आरोप है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं आप उसको उग्र कर रहे हैं, प्रशासन ने आरोप है, जिला प्रशासन पटना। आपको जानकारी नहीं है, जिला प्रशासन का ऐसा कुछ नहीं कहना है, उनका ये कहना है कि जो भी मतलब इसको कोई उग्र ना करे। आप जानकारी है, पटना में कोई कुछ नहीं बोला है, रात 2 बजे से हम लोग स्टूडेंट को समझा रहे हैं और अब तक पटना में आप बताइए कहीं कुछ भी हुआ, आप पटना से ही हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ है, ये आपको गलत सूचना है। सर कल 26 आपने आज के लिए वीडियो बनाया था कि 26 जनवरी है और अब बच्चे आज के दिन प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आज जो है कई जगह पर ट्रेनें जला दी गई हैं और इसके बाद आज भी प्रदर्शन हुआ है, उसको लेके आपकी देखिए इसमें क्या है कि यूट्यूब ने वीडियो को हमारे जो रात 2 बजे किए थे उसको सुबह 6 बजे तक डिलीट कर दिया था, तो वहां जो पटना के लड़के थे उनको ठीक ठाक उनको कंट्रोल किया। हम जयपुर तक के लड़कों को भी अपील किए क्योंकि हम पटना में यहाँ हैं तो हम यहाँ पे फिजिकली कंट्रोल कर लेते हैं, हमारी पूरी टीम पटना में जहाँ भी हो रहा है सबको समझा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन आज के दिन जो 2 जगह उग्र हुआ है ये एकदम गलत है, जो गया में और जहां गया में हो गया है वहाँ पे, तो इन लोगों को नहीं करना चाहिए, ये एकदम गलत है। हम देखिए क्या है कि वहाँ के टीचरों को भी समझाना चाहिए, अब पटना से आप पूरे इंडिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपका फैन फॉलोइंग काफी अधिक है और आपकी बातें इस वक्त अच्छा प्रभाव डाल सकती है, जब रेलवे बोर्ड ने कह दिया है, इन्वेस्टिगेशन कमिटी बना दी है, रिपोर्ट देने को कहा है, तो क्या अपील करना चाहेंगे स्टूडेंट्स? हम सारे लड़कों से हम बोल भी दिए हैं, देखिएगा आंदोलन जो है जो लड़कों का कहना है वो अब रुक चुका है, रेलवे ने बोर्ड बना दिया है, 16 फरवरी तक लड़कों को अपना सुझाव देना है और 4 मार्च तक आरआरबी को रिपोर्ट देनी है, उसके बाद एक अच्छी रिपोर्ट बनेगी और ये होगा। ये कहीं ना कहीं आरआरबी की एक गलती है, 40 घंटा पहले आरआरबी ने ऐसा बेतुका फरमान जारी किया जो इस प्रोटेस्ट में नहीं था, उसको आप मीडिया वाले हैं चूंकि आप लोग क्या है कि एग्जाम का टेक्निकलिटीज को आप लोग उतना अच्छा से मतलब नहीं समझ पाते जितना, क्योंकि हम लोग को दिन भर पढ़ाना है। टेक्निकलिटी क्या है कि इस आंदोलन में केवल एनटीपीसी के लड़के विरोध कर रहे थे जिनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, तो यहाँ एक तो वो छोटा सा समूह था और लड़के इंतजार कर रहे थे कि हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट या आरआरबी अच्छा सोचेगी, लेकिन आरआरबी ने उनको तो सोचा ही नहीं बल्कि जो 1.5 करोड़ लड़के ग्रुप डी वाले थे इनको कह दिया कि आपको डबल एग्जाम लेंगे, जिस वजह से वो 1.5 करोड़ लड़के अचानक बाहर निकल गए, तो हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग को लगा ये तो घर में है सब निकलना, तो हम लोग को लगा कि ये क्या कर रहे हैं, तो हम लोग को समझाते यहाँ तक फिर भी पटना में कंट्रोल किया गया। हम लोग पहले दिन से राजेंद्र नगर टर्मिनल्स पे जब प्रदर्शन हुआ वहां पर थे, वहां प्रदर्शन बिल्कुल शांत था और इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले उस दिन दागे और कल जो प्रदर्शन था वो उग्र रूप ले लिया, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रदर्शन जो हुआ वो उग्र रूप इसलिए हुआ क्योंकि प्रशासन ने आंसू गैस के गोले और इसके बाद लाठीचार्ज वगैरह बच्चों पे किया? आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो प्रदर्शन उग्र होने का मुख्य कारण यह था कि शुरुआत में जो प्रदर्शन था केवल एनटीपीसी वालों का था जिनकी संख्या कम थी, लेकिन 4 बजे जैसे 3 से 4 के बीच में रेलवे आरआरबी ने नोटिफिकेशन डाला 1.5 करोड़ लड़कों के लिए, तो वो अचानक हुजूम आ गया जिस वजह से प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया यहाँ पर, क्योंकि उन लोगों ने देखिए आंदोलन अब अपने जगह पे नॉर्मल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि वो इसमें इंटरफियर किए, काश 40 घंटा पहले करते किसी को कोई तकलीफ नहीं आता, इतने लड़के सड़क पर हैं वो पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी अपने समय पे आप लोग को ही पता है कि वो कोई ऐसा भीड़ नहीं है जिनको कोई बहका के ला सकता है, वो पढ़े लिखे लड़के हैं। आरआरबी की सबसे बड़ी गलती क्या है, वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। आरआरबी का कहना है कि हमारा एग्जाम लेट इसलिए हुआ कि हमें कोई एजेंसी नहीं मिला, आप लोग हमसे सवाल पूछने आए हैं क्या इस तरह से आरआरबी ने कभी बुला के बोला? नहीं बोला, इनकी गलती है, तो स्पष्ट बोलना चाहिए कि हमें एजेंसी नहीं मिल रही है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, आप 6 महीना इंतजार कर लीजिए। जो गरीब बच्चा है वो 6 महीना कुछ काम कर लेता, वो बेचारा पटना में मर रहा है कि हमारा एग्जाम कल होगा कि 2 साल बाद होगा कि इस जन्म में होगा कि नहीं, इसलिए तो उसको बस आप जो काम कीजिए बता के कीजिए, बस यही कहना है।
हाँ, रेलवे बोर्ड के पास हम 5 बजे मीटिंग है हमारी, जैसा होगा हम आपको बताएंगे। अभी रेलवे बोर्ड के पास मीटिंग है, वो कितना लंबा मीटिंग जाता है किसी को नहीं पता। पिछली मीटिंग 5 बजे से 8:30 बजे तक चली, लीडरशिप की कमी थी इस प्रदर्शन में, और आपको मुख्य लीडर के रूप में इसमें माना जा रहा है। ये लीडरशिप की कमी ही इस आंदोलन की सबसे बड़ी रीढ़ थी, क्योंकि जब लीडर को आप बनाते हैं तो लीडर गायब आंदोलन खत्म, ये होता। लेकिन सुनिए बात समझिए, इसमें कोई लीडर ही नहीं था, तो एक ही रास्ता था कि लड़कों की मांग मांगे, क्योंकि उसका कोई लीडर ही नहीं, बात किससे करिएगा। ये हम बोले तो अलग बात है, पटना के डीएम साहब ने खुद बोला कि लीडरलेस आंदोलन है। आप उनका वाइफ देखे होंगे, उन्होंने खुद बोला था, वो इतने सुलझे हुए इंसान है, वो कभी इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो मतलब ग्राउंड रियलिटी है। ये लड़कों की अचानक समा, हम बता रहे हैं 40 घंटा पहले आप किसी को नोटिफिकेशन देंगे, किसी का हॉस्पिटल में मरीज है, अगर वो मर गया है तो डॉक्टर आके किसी को कह गए तुम्हारा मरीज था मर गया, बवाल नहीं कर देगा? मर जाता है ना हॉस्पिटल में तो प्रोटोकॉल होता है कि उसको आदमी पहले बोलता है कि सीरियस है, ऑक्सीजन पे गया, फिर आधा घंटा बाद बोलेगा वेंटिलेटर पे, फिर कहेगा भगवान से दुआ कीजिए, फिर कहेगा कोमा में, मर चुका है, लेकिन वो आधा एक घंटा डिले करता है ताकि आपके अंदर सहनशीलता है। तो आपको आराम आराम से कहना चाहिए, आप स्टूडेंट फ्रेंडली ही नहीं है यहाँ पर। आरआरबी के लोग गाड़ी और ऑफिस के सेवा कभी सड़क पे उतरे तब तो समझ में आएगा स्टूडेंट की क्या समस्या। बच्चों को नहीं हुआ, आपका कहना एक बिल्कुल सही है, इसीलिए लड़के आए हैं। देखिए आप एग्जाम लीजिए 2 की जगह 5 लीजिए, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन निकाले थे उसी वक्त आपको कहना चाहिए, मान के चलते हैं कि आरआरबी को भी नहीं पता था कि 2 करोड़ फॉर्म आ जाएंगे, तो आरआरबी को भी कहना चाहिए कि देखिए हमें आइडिया नहीं था, इसलिए अब मजबूरी में हमें 2 पेज का एग्जाम लेना पड़ेगा, हम आपको 6 महीना टाइम देते हैं, आप 20 दिन टाइम देके कहिएगा, ये गलत है। आरआरबी की केवल एक गलती है कि वो फाइनल डिसीजन अपने ऑफिस में बैठ के लेके लड़कों को दे देता है, लो मानो। तो ये नोकिया का जमाना नहीं है कि आप जो बोल देंगे चल जाएगा, अब ये जमाना है 5G हो गया है, सारे लड़के पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया छोटे से बात को नेशनल लेवल तक पहुंचा देता है। रेल मंत्री को गलत जानकारी दी गई है, तो कहा जाता ना दही के गवाही चिवरा, तो आरआरबी ने ही गलती किया है और रेल मंत्री आरआरबी से ही पूछ रहे हैं, इस वजह से ये सारी समस्याएं आई हुई हैं। तो आप लोग इस समस्या को समझिए, रेल मंत्री के पास जानकारी जो है वो गलत है। एक्चुअली क्या है कि एक लड़के को 4 बार काउंट किया गया है और रेल मंत्री से कहा जा रहा है कि देखिए हमने तो 20 गुना दिया ही दिया है, तो एक लड़के को आप 4 गुना करेंगे तो गड़बड़ होगा। हमारा या रेल, देखिए हमारा क्या मांगे, हमको कोई नौकरी तो करना नहीं है, हमें कहना सीधी सी बात यही है कि एक लड़के को आप 4 जगह क्वालिफाई कराना है तो करा दीजिए, बट है कि उसको काउंट 1 जगह कीजिए, आप उसको 4 लेवल में क्वालिफाई कराइए, कोई दिक्कत नहीं। कहना कि कोर्ट का मामला है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट का मामला कैसे हो जाएगा? आपने अचानक 20 दिन पहले अगर आप CBT 2 एग्जाम घुसेड़ सकते हैं तो ये कोर्ट का मामला नहीं होगा, और आप उसको 20 गुना जो आप पहले बोल चुके हैं उसको 20 गुना दे देंगे तो कोर्ट का मामला हो जाएगा। सवाल नोटिस भी निकला है कि जो लोग भी हिंसक प्रदर्शन में शामिल है नौकरी आजीवन रोकेगा आरआरबी। अब ये प्रशासनिक चीज है, ये आरआरबी को सख्त डिसीजन नहीं लेगा तो सारा ट्रेन भी दिक्कत आएगा, तो उसको सख्त एक्शन लेना चाहिए। लगता है कि जब स्टूडेंट्स का आंदोलन होता है, जायज मांग हो या उसकी जांच की जाती है, लेकिन कुछ सामाजिक तत्व उसकी आड़ में अलग तरीके से हिंसा करते हैं, इनको देखिए। अब इसमें क्या है कि आरआरबी जब बवाल नहीं होगा तो कोई लड़का सड़क पे क्यों उतरेगा? नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैसे असामाजिक तत्व, देखिए बात समझिए यहाँ पे, आरआरबी का जैसे स्टूडेंट के बीच में असामाजिक तत्व घुस जाएंगे, क्यों? आप 40 घंटा पहले 1.5 करोड़ लोगों को प्रभावित करेंगे तो सीधे उठ के आएगा, और अगर आप ध्यान देंगे तो ये हिंसक वही हुआ है जहाँ के लड़के आसपास के, पटना में उतना हिंसक इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ गाँव से लड़के बाहर आए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे और अन्य जगह पे क्या है कि पास नहीं होने की वजह से लड़कों को थोड़ा सा मोटिवेशन बूस्ट हो जाता है, जिस वजह से ये आंदोलन उग्र ले। जैसे जो लड़के आंदोलन में रहते हैं आंदोलन कर रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व तो उनकी आड़ में इसमें आ जाते हैं, ये तो प्रशासन का काम है देखना। अभी इसमें हम लोग कहां, आपको क्या लगता है कि एक खान सर पटना में बैठ के पूरा इंडिया कंट्रोल कर लेंगे? ये बताइए, प्रशासन का कहना था कि खान सर 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप इतने मीडिया वाले हैं लोग, एक आदमी बता दे कि 26 जनवरी को आज पटना में कोई लड़का लॉस से बाहर भी निकला है तो हमने सख्त मना किया, हमारे चैनल को अगर रोक नहीं लगाया जाता, फ्रीज नहीं हुआ रहता तो हम कुछ नहीं होने देते। लेकिन एक हर इंसान की लिमिटेशन होती है, हम तो टारगेट लेके रखे थे कि एनटीपीसी वालों को संभालना है, 40 घंटा पहले आप 1.5 करोड़ लड़कों को उकसा देते हैं। कहीं लगता है कि जो यूट्यूब का रोक आपके चैनल पे लगा तो आपके जो मैसेज हैं आपको इस वक्त वो ज्यादा कामयाब हो सकता था? हाँ, ये है, एक्चुअली क्या हुआ, बहुत से लड़कों को चोट आ गई तो हम लोग उसके इलाज में लग गए, उनका इलाज कराना, किसी का फ्रैक्चर हो गया तो इलाज में हम लोग लग गए। दूसरा क्या था कि कई लड़कों को खाने को नहीं था, खाना बना के खिलाना, उनको मोबाइल टूट गया मोबाइल देना कई लड़कों को, तो हम लोग इसमें लग गए लोग, तो हम लोग को लगा कि कोई कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ये लड़का एक्चुअली क्या है कि
गांव गांव तक इसके लड़के हैं फॉर्म भरे थे जो इसी के लिए तैयारी कर रहे थे, और कोरोना ने उनका 2 साल खा गया। आपने कुछ बोला नहीं, आप स्पष्ट बोल देते कोरोना में एजेंसी नहीं मिल रही, कोरोना बाद एग्जाम होगा, कोई दिक्कत नहीं था। आरआरबी को समझिए, आप ही बताइए, 2019 का फॉर्म निकला, अचानक आप 2022 में रिजल्ट दे रहे हैं, 15 जनवरी को कहेंगे कि 25 दिन बाद एग्जाम ले लेंगे। मतलब आपका जब बस चले तो आप 3 साल इंतजार कर दीजिएगा और लड़का को 25 दिन दीजिएगा। इसका मतलब लड़का जो जो फेल होगा कि पास होगा उसको पता चलेगा, और मान के चलिए कोई लड़का मीडियम लेवल का है उसको अचानक पता चला कि हम पास हो गए, तो उसके पास तो 25 दिन है, क्या करेगा वो। फ्रेंड, हर एग्जाम में आपको पहले से वैकेंसी दे रहे हैं, 6 महीना पहले बता दीजिए कि हमारी ये वैकेंसी आने वाली है, इस महीने में आसपास में आ सकती है, इशारा कर दीजिए, लड़का समझ जाएगा। आप रिजल्ट दे रहे हैं, बीपीएससी का एग्जाम कब होगा कोई भरोसा ही नहीं रहता, रेल एयरफोर्स एक्स वाई का आप बताइए कब डेट है, आप लोग इतने पढ़े लिखे किसी को नहीं पता है। अच्छा, इससे पहले जब प्रदर्शन और ये चल रहा था उस वक्त प्रशासनिक स्तर पर ये कहा गया था कि जो कोचिंग संचालक है और भी लोग हैं उनको कहा जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी, इस तरह की कोई मैसेज? हाँ, हमारे पास भी ऐसा हुआ है, प्रशासन, हमने पूरे पटना प्रशासन का सहयोग किया है, आप लोग प्रत्यक्ष गवाह है, पूरे पटना के किसी गली में घूम लीजिए, कोई लड़का को कह दीजिए कि खान सर ने मना किया है या नहीं किया है, या कोई लड़का उग्र हुआ हो आप हमको बताइए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम पटना में बैठ के पूरा भारत कन्याकुमारी कंट्रोल कर दे, नहीं हो पाएगा। हमें आरा के लड़कों को कल मना किया, आज आरा में कुछ नहीं हुआ है। आप देखिए, जहानाबाद और गया के लड़कों को हम लोग मना किए थे स्पेशली, वो वीडियो ही हटा दिया वहां पर, इस वजह से थोड़ा सा हो गया। और थोड़ा सा आउट है, सबसे बड़ा परीक्षा है, तो 3-4 साल वक्त लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे देखते आप? इसमें क्या, इसमें हम यही कहेंगे कि देखिए, आप लड़कों को, आपको अगर 2 साल वेट करना है, सारा लड़का अमीर नहीं होता है। हमारे पास 2 लड़के ऐसे आए थे, भगवान की दया से पिछली बार उनका सिलेक्शन हो गया, अब इतना याद नहीं किस चीज में हुआ था, बट वो लोग मजदूरी करते थे, और पटना में मजदूरी होता ना, सीमेंट बालू लेकर छत पर चढ़ना, 2 भाई थे, एक हफ्ता एक करता था तो दूसरा पढ़ता था, अगला हफ्ता वो करता था। आप ऐसे लड़कों को बिना नोटिफिकेशन दिए 3 साल तक करेंगे, मतलब वो मजदूरी करता रह जाए, तो कम से कम उसको मौका दे देते कि हाँ भैया हमको कोरोना है, हम आपको ये एग्जाम 1 साल बाद लेंगे। फरवरी में जो एग्जाम डेट दिया गया, अगर लड़कों से कह दीजिएगा कि देखिए बाबू कोरोना है, ट्रेन नहीं चल पाएगी, हम आपके एग्जाम को ही अप्रैल में ले लेंगे, तो आपको क्या लग रहा है बवाल करने जाएगा? वो लड़का नहीं देख रहा हम कैसे ट्रेन, और ये एग्जाम लेते कैसे फरवरी में, ये बेवकूफी देखिए। एक लड़के का 4-4 जगह रिजल्ट है, एक एग्जाम होगा बैंगलोर में, एक होगा अहमदाबाद में, एक होगा भोपाल में, और ट्रेन चल रही है 10%, वो कहां से दौड़ेगा? 5 दिन में एग्जाम कराना है, कोरोना है पीक पर, यहां पे 5 लाख मरीज मिल रहा है, यहां पे ये सोच रहे हैं कि उनका स्टूडेंट कहां लेवल है उन लोग का। मंत्री ने कहा कि हम छात्रों की बात सुनने को तैयार हैं। हाँ, मंत्री जी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको टेंशन ही नहीं रहता। प्रधानमंत्री पर 5 मिनट के लिए, अब प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत उनका, कि उनका आने बस 5 मिनट तो बोल दे कि ये सारा मैटर सॉल्व हो गया, और लड़कों से भी कहेंगे कोई अब आंदोलन नहीं होगा, अब वेट एंड वॉच करेंगे आप लोग क्या बोर्ड का कहना, अभी हम भी जा रहे हैं बोर्ड में, बोर्ड से क्या होगा फिर हम लड़कों को कल बताएंगे। एक अंतिम सवाल सर, आप कहते हैं कि वीडियो डिलीट कर दी जाती है, क्या कहेंगे, क्योंकि आज भी आंदोलन हो रहे हैं, आपके स्टूडेंट सिर्फ पटना के नहीं है, बिहार के अलग अलग जिलों के हो सकते हैं, बिहार से बाहर के हो सकते हैं, तो आप मेरा वीडियो डिलीट होगा नहीं, तो अभी क्या कहेंगे बच्चों के आंदोलन जितने लोग कर रहे हैं, सारा आंदोलन अभी खत्म हो गया। हम नवादा में भी बात किए हैं, जहानाबाद में भी, गया में भी, अभी वहां पे भी उन लोगों ने हट गए हैं, लेकिन जो किया है उन लोगों ने वो गलत किया है, कहीं पे भी ट्रेन को आग नहीं लगाना चाहिए, निंदनीय है ये, कहीं से भी हम लोग उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन अगर आप कहिएगा कि आरआरबी की गलती, 40 घंटा पहले आप 1.5 करोड़ लड़कों को हिला दीजिएगा, उसका ठिकरा आरआरबी पे फोड़िए ना। जब बात हो रही थी आरआरबी, पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल पे बवाल हुआ था, तो वहां किसको आना चाहिए? आरआरबी को आना चाहिए, हर एक इंसान आया आरआरबी को छोड़ के, डीएम साहब अपना काम छोड़ के गए, डीएम का काम पटना को देखना है, पटना छोटा शहर नहीं है, करोड़ों की यहां पे लोग हैं, तो इनको देखना यहां पे बहुत मुश्किल है। पटना डीएम साहब गए, एसपी साहब गए, डीआरएम गए, आरपीएफ गया, जीआरपी गई, बिहार पुलिस गई, बीएमपी गई, आरआरबी नहीं गई। आरआरबी का ऑफिस वहां से 2 किलोमीटर, बस पैदल चला। साजिश नहीं, बेवकूफी है उन लोग की, 1980 के सोच है उन लोग का कि जब तक रेलवे को पूछो। हमको तो ऐसा लगता है ना कि आरआरबी का पहले से मूड है, कुछ सेटिंग है कि ये काम करो, ऐसा उठपटांग काम करो आखिरी टाइम पे बवाल हो जाए और उसके बाद से सामान टूटेगा, 1 लाख का फूटेगा, हम 1 करोड़ बनाएंगे, बाकी यहां हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये आरआरबी की गलती है। आप पिछले 20 साल का इतिहास उठाइए, जब जब आरआरबी जब तक तोड़ फोड़ नहीं कराया नहीं हुआ, 8 मिलियन ट्वीट पे अगर आरआरबी नहीं जगे तो क्या कहिएगा इसको? हम तो सोचते हैं कि बाप रे भगत सिंह कैसे लड़े होंगे, बाप रे उस समय तो हम लोग पढ़ाते थे, आज फील कर रहे हैं कितना मुश्किल हुआ होगा उन लोग को लड़ने में। ये तो हम लोग का अपना देश है, आरआरबी नहीं सुन रही है। खैर, प्रधानमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया, हम बहुत बहुत आभारी हैं। कुछ अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत हो रही थी,
सारे लोग को संदेश यही है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, अगर हिंसा करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं आ पाएगा, एक सवाल कोई भी साथ नहीं आ पाएगा। अब हमारी मीटिंग है आरआरबी के पास, इसलिए उनके लिए देखिए जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी को जल्द से जल्द रिवोक किया जाए, उनके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जितना लीगल हेल्प होगा हम लोग की ओर से हम करेंगे, क्योंकि वो वहां के बाद लीगल ही प्रोसेस होता है, तो उन लोग के लीगल प्रोसेस को हम लोग कर रहे हैं। जिनको खाना पीना घटा उनको पहुंचाया जा रहा है, हमारी एक टीम लगी हुई है, जिनके मोबाइल वगैरह तोड़ दिए गए उनको मोबाइल बनाया जा रहा है, कई लड़कों के हाथ टूट गए हैं, सर फटा हुआ है, तो उनके जो स्ट्रेचेज लगे हैं हॉस्पिटल वगैरह उन सबको हम लोग देख रहे हैं लोग, तो हम लोग भी दोनों ओर से हम लगे हैं, प्रशासन की बातें सुन रहे हैं, स्टूडेंट को भी सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट घायल हुए हैं उनके लिए भी हम लोग सुन रहे हैं, अब आरआरबी के पास भी जा रहे हैं, उनके पास हमारी मीटिंग है, ताकि वहां से जैसे प्रशासन हॉस्टल में भी अब छापा मार के बच्चों को पकड़ने का काम ये प्रशासन को भी ये गलती है, इस तरह से उग्र नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट को आप दबा के मारिएगा, एक स्टूडेंट मारेंगे 40 स्टूडेंट। कल से मैं यही देख रहा हूँ कि प्रशासन जो हॉस्टल में घुस के छात्रावास में घुस के बच्चों को निकाल रहे हैं, इसके बाद डंडे से उन्हें बेरहमी से पीट रहे हैं। नहीं ये गलत है, प्रशासन को भी संयम बरतना चाहिए, लड़के हैं कोई बाहर के नक्सलाइट नहीं, उनकी मांग अगर जायज है तो उसको सुना जाए, आरआरबी एक बार आके कह देती बस इतना कह देती आप एक शिक्षक हैं, आपसे लोग जुड़े हुए, बच्चे को आप करीब से जानते हैं महसूस करते हैं, क्या सिर्फ एनटीपीसी की बात आरआरबी की अभ्यर्थियों की बात है या पूरे बिहार देश भर के जो हर एग्जाम डिले है, एयरफोर्स में डिले चल रहा है, कमोबेश हर एग्जाम का 60% एग्जाम डिले चल रहा है।